ऑब्वियसली इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सी एस के वापस आके। मेरे लिए तो इट्स लाइक होम कमिंग। और ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर, लाइक इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, कोई भी प्लेयर जब किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए पहली बार खेलता है तो वो फ्रेंचाइजी उसके लिए स्पेशल होती है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ इस चीज़ में कि मैं जब सबसे पहली बार जब मैं आईपीएल खेला, तो मेरा वेरी फर्स्ट टाइम था, वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर द आईपीएल मुझे मिल गई। और माई भाई के अंडर खेलना हर हर नए प्लेयर का सपना होता है, पहली बार में मुझे उनके अंडर खेलने को मिल गया। उसके बाद मैं फिर इंडिया के लिए भी खेला यहाँ से, तो काफ़ी लकी समझता हूँ अपने आप को। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस से इसके आके। एक्चुअली एक चीज़ ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, लव एवरीथिंग अबाउट सी एस के, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इन्होंने एटमोसफेयर, जो एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जो फैमिली एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, वो बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट सभी फ्रेंचाइजीज बोलती हैं कि यस फैमिली एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने वो ऑरा क्रिएट किया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, और वो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है सी एस के अंदर। फिनिशर धोनी, ऑब्वियसली फिनिशर धोनी, क्योंकि वो गूज़बम्प्स वाली फीलिंग होती है ना लास्ट में जब छक्का मारता है, तो वो अलग ही फीलिंग है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली रिग्रेट है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वापस से, तो हमेशा कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं सीख भी मिलती है कि यस आपको और क्या चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में, कैसे आपको मेहनत करनी है। मैं इंजर्ड होकर टीम से बाहर निकला था, अभी भी स्टिल मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे रणजी ट्रॉफी भी अच्छा गया, आईपीएल भी अच्छा गया, लेकिन ठीक है, मेरे हाथ में क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूँ पूरा, और कोशिश कर रहा हूँ जहाँ भी क्रिकेट खेलूँ अच्छे से इन्जॉय करके परफॉर्म करूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं सोचता हूँ ताकि प्रेशर ना क्रिएट करूँ अपने ऊपर, तो बस क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी। नहीं, इट्स नॉट लाइक कि वर्ल्ड कप के लिए मैं सोचूं कि वर्ल्ड कप खेल जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, मैं सी एस के लिए आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी तरफ से किसी भी तरीके से अगर मैं सी एस के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो करूं, किसी भी सिचुएशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो करूं, अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेलूं और एंटरटेन करूं क्राउड को। बहुत बड़ा फैक्टर है सी एस के में, क्राउड को एंटरटेन करना चाहता हूं, उस क्राउड को बहुत मज़ा आता है खेलने में यहाँ पे। लेकिन ये नहीं सोचा है कि अभी परफॉर्म करके वापस से वर्ल्ड कप खेल जाओ या कुछ खेल जाओ, इस लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा जब भी आप क्रिकेट खेल के परफॉर्म करते हैं, और लेकिन उस प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है जो मुझे लगता है। एरियाज एक्चुअली आई थिंक अभी फॉर नाउ इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप अपनी फिटनेस पे कितना काम कर रहे हैं, आप अपने आप को कितने अच्छे से फिट रख रहे हैं, आपका डाइट क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं चीज़ें। तो स्किल के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, और आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखना चाहिए, जो कि अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप कम से कम क्रिकेट खेलेंगे, जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और टीम में नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। बेसिकली आपके हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, आप जितना ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान देंगे उतना आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वर्ल्ड कप खेलने का एक ही तरीका है जो मुझे लगता है कि आप फिट रहें और प्रोसेस पे ध्यान दें। बहुत ही बेसिक फंडा रहता है माही भाई का, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बोलते हैं अपने फास्ट बॉलर्स को, हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं जो मीटिंग में बात करी जाती है, जो हमारा प्लान होता है जनरली वो प्लान फॉलो किया जाए, और उस प्लान पे चलते हुए अगर आपको मार भी खा जाते हो आप या आपको रन भी लग जाते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा पीछे से क्लैप ही करेंगे अगर आप उस प्लान पे चल के थोड़े बहुत रन लग भी जाते हैं तो। लेकिन आप प्लान से हटके कहीं ना कहीं मार खाते हैं तो फिर थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, वो बताते हैं आपको कि प्लान से नहीं हटना चाहिए। लेकिन वो हमेशा से अपनी क्रिकेट में भी और दूसरों की क्रिकेट में भी, लाइक वो कभी समझाते भी हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं, उस प्लेयर के लेवल पे आके उसे समझाते हैं। तो हमेशा वो कोशिश यही करते हैं कि उस प्रोसेस पे आप मेंटेन रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, वो जो लाइन आपके लिए खींची गई है या जो प्लान आपके लिए बनाया गया है उस प्लान पे रह के आप सब कुछ कर सकते हैं, उससे बाहर जाके आप नहीं कर सकते।